जीवन पूंजी, विरासत, इस सब का क्या मतलब होता है? यही होता है ना कि हीरे जवाहरात, सोना चांदी, यही सब ना। इसकी वजह से ना सिर्फ मम्मी के मन में लेकिन मेरे मन में भी लालच हो गया था। लेकिन इतना बड़ा वो संदूक, ऊपर से इतनी कड़ी सुरक्षा, ताला कुची बंद, तो कोई क्या समझेगा? यही समझेगा ना कि उसमें ढेर सारे पैसे, हीरे जवाहरात, यही सारी चीजें होंगी। ओफ़, क्या क्या नहीं किया इस विरासत के चक्कर में। लेकिन कोई बात, मैं अपने आप को तो मना लूंगी। वैसे भी मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन मम्मी, बेचारी मम्मी तो 50% के आधार पे उन्होंने तो कितने सारे हवाई किले खड़े कर दिए होंगे। हे भगवान, अब उन्हें कैसे बताऊं? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। राशि दिख रहा? बोल, संदूक में से क्या क्या निकला? सिर्फ सोना ही सोना या हीरे जवाहरात भी? वो मम्मी, उसमें कुछ नहीं है। तेरा दिमाग तो सही है, कुछ भी नहीं है क्या? क्या मतलब? मम्मी, सिर्फ एक चीज तो है, कान्हा जी की मूर्ति। इसका मतलब वो चोरी चकारी, संदूक का कुएं में गिरना, निकालना और असली नकली की अदला बदली, हाय हाय, वहां तक कि मैं तो डीकी तक में भी लॉक हो गई। नहीं, अब आप चुप हो जाइए ना। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊ? संदूक के टेंशन में तो मुझे भूख भी ज्यादा लगने लगी, पर मैं झाड़ी भी हो गई। और न जाने मैंने क्या क्या सपने देख लिए, क्या क्या खरीदने का सोच लिया। बेटा, मुझसे अब ज्यादा बात नहीं हो सकती, बहुत जोरों जोरों के चक्कर आ रहे। अगर जी उती रही तो पछी वापस बात करूंगी। चल, रखती हूँ, जय श्री कृष्ण। मम्मी, चल फई को चलकर बताती हूँ, मैं बाहर जा। ये अचानक इन्हें क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो बड़े खुशी से भुदक रही थी, अब एकदम निधाल हो गई। इनके भी मूड का कुछ पता नहीं रहता, घड़ी में शोला ना घड़ी में माशा। इनको तो किसी साइकियाट्रिस्ट को बताना ही पड़ेगा। राशि, दिख रहा आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने मेरा सर आज गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हें पता है, जब मासी ने ये कहा ना कि तुमने उनका दिल जीत लिया, तो मेरा मन जैसे खुशी से झूम उठा। बस बेटा, जो प्यार और स्थान मासी ने तुम्हें दिया है ना, उसे बना कर रखना। ऐसा ना हो कि जो लाड और तारीफें हैं ना, उनमें कहीं तुम्हारी वो अच्छाइयां छुप ना जाए, कम ना हो जाए, जिससे रिझकर मासी ने तुम्हें अपनी बरसों की जमा पूंजी का वारिस बनाया। ऐसे
से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कहा तुमने? हाँ वो, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने अभी जो मुझे बातें बताई वो मैं उन पे गौर करूंगी। सारे बेटा अपना काम खत्म कर लो, फिर कान्हा जी की मूर्ति को संभाल कर कमरे में रख देना। माझी, मैं आपके लिए फल लेके आई हूँ। आप रोज सुबह नाश्ते के पहले खाते हैं ना? मुझे नहीं खाना है, इसे वापस ले जा। लेकिन माझी, थोड़ा सा खा लीजिए ना। मैंने कहा ना गोपीवाओ, मुझे नहीं खाना है। अने बीजी बात, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, परेशान मत करो। इसे ले जाओ यहाँ से। राशि बेन, क्या है? राशि बेन, वो मैं आपको बधाई देना चाहती थी। कितनी सुंदर है ना नानी जी की जीवन पूंजी। आप बहुत भाग्यशाली है राशि बेन, जो आपने कान्हा जी को जीत लिया। तू रहने दे यार, देख मैं जानती हूँ तू मेरे लिए कभी भी खुश नहीं हो सकती, और वैसे भी मुझे तेरी इन झूठी बधाइयों की ना जरूरत नहीं है, अपने पास ही रख। मुझे तो लगता है मुझे तेरी नजर लग गई। हाँ वो कैसे राशि बेन, आपको तो इतनी सुंदर कान्हा जी की मूर्ति मिली है। हाँ ठीक है, वाकई मैंने क्या क्या सोचा था कि मुझे संदूक में से नानी जी के एंटीक जेवरात मिलेंगे, जैसे नवलखा हार, बाजूबंद, मांग पट्टा, गला पट्टी, ठीक वैसे ही जैसे ऐश्वर्या राय ने जोधा अकबर में पहने थे। ठाकुर जी माफ करिएगा, वैसे आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपको तो मैं बचपन से देख रही हूँ। आप आए ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ साथ कुछ और भी चाहिए था। हाँ शिखर जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। क्या? बधाई। राशि, तुम ठीक तो हो ना? नहीं मेरा मतलब, तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बहुत खुश। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुशी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी खुशी और भी बढ़ जाएगी। ये जब तुम सुबह कान्हा जी की पूजा करने जाओगी उसके लिए। ये
तो इनके पास भी इसके अलावा और कुछ नहीं है। राशि, मेरा दिल तो तुमने पहले ही जीत लिया था, और जब पूरे परिवार के सामने नानी जी ने ये कहा ना कि तुमने उनका दिल भी जीत लिया है, तो मेरा सीना गर्व से और भी चौड़ा हो गया। देखिए जिगर जी, ये बधाई वधाई तब ठीक है, लेकिन अगली बार ये ऐसी वैसी हरकत मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। याद रखिए, मेरा तो आज का दिन ही खराब है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।